8 अगस्त को सदन में चंद्रशेखर ने कर दी ऐसी मांग, देखते रह गए अखिलेश। मायावती के नक्शे कदम पर चल रहे हैं चंद्रशेखर, सदन में यूपी को लेकर कर दी बड़ी मांग। इस मांग के बाद मायावती की राजनीति पर आएगा राहु, चंद्रशेखर बनेंगे दलितों के मसीहा। चंद्रशेखर की चाल, 27 से पहले बसपा सुप्रीमो की राजनीति का कर देंगे दी एंड। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर लाइन कड़वी जरूर है, लेकिन सोले आने सच है। चंद्रशेखर रावण ने जब से अपनी राजनीति का तौर तरीका उत्तर प्रदेश में अच्छे ढंग से संभाला है, तब से ही बहुजन समाजवादी पार्टी के चहेते उत्तर प्रदेश के तमाम युवा चंद्रशेखर की कार्यशैली से प्रभावित हुए हैं और अक्सर करके मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक चंद्रशेखर की बात करते हैं। दरअसल 8 अगस्त को आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर ने बसपा और सपा में उस समय हलचल पैदा कर दी जब उन्होंने सदन में ऐसे मुद्दे को छेड़ा जिसे कभी बसपा सुप्रीमो मायावती उठाया करती थी, जो मायावती की राजनीति के लिए हुआ करता था अहम। ये मुद्दा कभी भी आज तक किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में नहीं रहा है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती की तरह चंद्रशेखर ने उसे अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल कर लिया है। आपने देखा, पहले भी उत्तर प्रदेश के विभाजन का मुद्दा चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का मुद्दा चंद्रशेखर ने सदन में उठा लिया है। हालांकि बीजेपी छोटे राज्यों की पक्षधर रही है, लेकिन इस बार बसपा सुप्रीमो के इस पॉइंट को सदन में चंद्रशेखर ने हवा दे दी है। यूपी बांटने का 12 साल पहले विधानसभा में पास कराया था बिल, लेकिन चुनाव आते ही बसपा सुप्रीमो का सपना हो गया था चकनाचूर। लेकिन सवाल ये, क्या बसपा सुप्रीमो के पदचिन्हों पर चल रहे हैं चंद्रशेखर? आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों चंद्रशेखर चाहते हैं कि यूपी को 4 हिस्सों में बांटा जाए। तो उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि आज से 12 साल पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया था। इसे विधानसभा में पास करा लिया था, लेकिन चुनाव आते ही बसपा की करारी हार हुई और अखिलेश यादव सीएम बने। बसपा सुप्रीमो मायावती का प्लान धरा का धरा रह गया। अब ये जग जाहिर है कि बसपा सुप्रीमो मायावती और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर एक दूसरे को धुर विरोधी हैं, लेकिन ये भी है कि चंद्रशेखर अब मायावती की लाइन पर हैं। दोनों नेताओं का वोट बैंक एक ही है। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता और मायावती का घटता जनाधार कहीं न कहीं बसपा के कोर वोटरों को अपने पाले में खींचने का पूरा प्लान बना चुका है। इसका असर कहीं न कहीं मायावती को अपने कोर वोटरों पर भी देखने को मिल सकता है। यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही बसपा सुप्रीमो मायावती से चंद्रशेखर की लोकप्रियता ने मायावती के लिए खतरा खड़ा कर दिया है। वैसे भी चंद्रशेखर ने अपने उपचुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का मन बना लिया है, इससे और भी हलचल पैदा हो रही है। यूपी की राजनीति में बसपा को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को पॉलिटिक्स में लेकर आई हैं। बसपा सुप्रीमो एक बार आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना चुकी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीच प्रचार में उन्हें रोक दिया गया और उन्हें इमेच्योर बता दिया गया। चुनाव खत्म होते ही मायावती ने फिर से उन्हें दूसरे नंबर पर ला दिया है, लेकिन अब तक चंद्रशेखर रावण एक लंबी लकीर खींच चुके हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी में दलित और मुस्लिम मायावती की ताकत रहे हैं। उनकी दम पर पश्चिमी यूपी में मायावती की पार्टी कई वर्षों तक सत्ता में रही और जमकर राज किया। उस दौरान जाट समाज भी बसपा में विलय हुआ था। लेकिन आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि बुरे दिन आते हैं तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसा ही बसपा के साथ हुआ। बीएसपी दिन ब दिन कमजोर होती गई तो मुसलमानों ने साथ छोड़ दिया। दलितों में सिर्फ जाटा वोट ही उनके साथ रह गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर नगीना से सांसद बन गए। ऐसे में उन्हें मुसलमान वोट भी मिला, दलितों का वोट भी मिला, जाट समाज के लोगों ने भी वोट दिया। अब चंद्रशेखर इसी के दम पर सोशल इंजीनियरिंग करते हुए यूपी में बंटवारे की बात कह रहे हैं। जब एक बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी में भाजपा सरकार की विकास गति बहुत धीमी है। हमारी सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग है, हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है, लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। मैं मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसको इस बजट में कुछ नहीं मिला और बहुत सारे मेंबर, 80 के लगभग हम मेंबर जो है उत्तर प्रदेश जीत के आए, ना के बराबर मिला। यूपी में 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर, 5 किलो राशन सरकार दे रही है, लेकिन जीवन जीने के लिए काफी नहीं है, और भी बुनियादी सुविधा की जरूरत पड़ती है। अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए, उसके लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है।
उन्हें ये भी पता है कि ऐसा ही रहा तो पूरी यूपी में अपने पैर जमाना आसान नहीं होगा। अगर यूपी चार भागों में बट जाए तो पश्चिमी यूपी अलग राज्य बन जाएगा, उनके मुख्यमंत्री बनने के चांस बढ़ जाएंगे। पश्चिमी यूपी में दलित, मुस्लिम और जात बिरादरी के वोटर मिलाकर उनका मिशन पूरा हो सकता है। ऐसे में पश्चिमी यूपी या उत्तर प्रदेश के चार बंटवारों को लेकर कभी आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन लोकसभा में चर्चा करने के बाद इस मुद्दे को सियासी हवा देने का प्लान भी बनाया जा सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में बसपा के लिए अच्छे दिन का संकेत नहीं है। ये जरूर है कि चंद्रशेखर के बढ़ते कदम बसपा की कमजोरी है या अन्य कोई संदेश।